डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग फिजिक्स में पिछले क्लास में अपवर्तन के बारे में पढ़ा। दोस्तों, अपवर्तन का मतलब ही होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश का गमन करना। ठीक है, अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रकाश की किरणें जाती है तब उसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और एक होता है प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, परावर्तन का मतलब ये होता है कि अगर मान लिया कि कोई वस्तु है, वहाँ पे प्रकाश की किरणें गई और उससे टकरा कर अपने ही माध्यम में वापस आ जाते, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं परावर्तन। ठीक है, तो हम लोग कौन से भी पढ़ रहे थे अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन में हम लोग सीखा था कि अगर क्या होते हैं सघन माध्यम और क्या होते हैं विरल माध्यम। दूसरी बात, हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि अगर कोई प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है या फिर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो किरणें किस प्रकार अभिलंब से दूर जाती है, किस प्रकार अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो हम लोग उतना चीज पढ़े थे। अब लिखा जाए टॉपिक्स। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, जैसा कि जानते हैं आप दोस्त कि प्रकाश के परावर्तन के लिए भी नियम है। हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के दो नियम पढ़े थे। पहला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम हम लोग पढ़े थे कि आपतन का कोण परावर्तन का कोण के बराबर होता है। ठीक है, उसी तरीके से दोस्त आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के नियम को पढ़ रहे हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन के भी नियम कितने हैं? दो ठो हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, इसके भी दो नियम हैं। तो सबसे पहले लिखा जाए कि आखिर कौन कौन से नियम हैं जो प्रकाश के अपवर्तन के नियम कहे जाते हैं। तो लिखा जाए इसके नीचे एरो देकर, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला आपतित किरण, कॉमा अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक सतह पर डाला गया अभिलंब, अपवर्तक सतह पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। खैर, अभी लिख लीजिए, फिर हम बता देंगे क्या लिखे हुए हैं। दूसरा लिखा जाए, आपतन कोण की जया। आपतन कोण की जया, आधा ज और या, आपतन कोण की जया, ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट में साइन आई। ठीक है, आपतन कोण की जया, ब्रैकेट में साइन आई, कॉमा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया, ब्रैकेट में साइन आर, अपवर्तन कोण की जया साइन आर, के अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है। एक नियतांक का मतलब कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश के जो अपवर्तन के नियम हैं वो कितने नियम हैं। दो नियम हैं। सबसे पहले जानना चाहिए
कि मान लिया कि ये एक अपवर्तक सतह है, इसको हम लोग बोल सकते हैं अपवर्तक सतह। और अपवर्तक सतह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ले सकते हैं, तो मान लिया कि यहाँ पे कांच लिए हुए हैं, कांच, ठीक है। अब यह एक अपवर्तक सतह है, अगर मान लिया कि इस पर अपवर्तक सतह पर खींचा गया अभिलंब ये है, ये हम लोगों को क्या है, अभिलंब, ठीक है, अभिलंब। दोस्तों यहां से अगर कोई किरणें आती है, ठीक है, जो आने वाली किरणें होती है उसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और अपवर्तक सतह के जो बिंदु है इस पर टकराने के बाद हम लोग देखते हैं या तो अभिलंब से की ओर मुड़ती है या तो दूर भागती है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है, ठीक है, किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है। तो हम मान रहे हैं कि यहाँ पे विरल माध्यम है, ऊपर विरल है और नीचे सघन माध्यम है। तो हम जानते हैं कि अगर ये अपवर्तक सतह नहीं होता तो ऐसे ही सीधे निकल जाती ये किरणें, लेकिन हम जानते हैं कि विरल से सघन जाता है तो ये किरणें क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो अब यहाँ के बजाय सीधे न जाकर थोड़ा सा अभिलंब की ओर मुड़ गया, तब हम इसको बोलेंगे कौन सी किरणें, अपवर्तित किरणें, अपवर्तित किरण। और अभिलंब से ये कौन से एंगल पे आता है, आई एंगल पे, इसी को बोलते हैं आपतन कोण, इसको कौन से कोण बोलेंगे, आपतन कोण। और ये हम लोगों को अभिलंब से जो सॉरी जो एंगल बनेगा यहाँ पे वो आर बनता है, इस आर को हम लोग बोलते हैं क्या, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, ठीक है। तो कुल मिलाकर सबसे पहला जो हम लोगों को रूल नियम है, वो पहला अपवर्तन के नियम क्या पता चला, कि आपतित किरण, ये हुआ आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण, ये वाला अपवर्तित का मतलब अपवर्तन के बाद का जो किरण है, अपवर्तित किरण और अपवर्तक सतह पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या है, एक ही तल में है। कौन कौन से तीनों भाई, तो तीनों है आपतित किरण में पहला, दूसरा अपवर्तित किरण और तीसरा अपवर्तक सतह पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होता है, ये अपवर्तन का पहला नियम। अच्छा दूसरा नियम क्या है, तो दूसरा नियम ये बोल रहा है कि जो आपतन का कोण है उसका जया, जया का मतलब होता है साइन, जैसे मतलब कैट का मतलब होता है ना बिल्ली, उसी तरीके से साइन का मतलब होता है जया। ट्रिगोनोमेट्री आप पढ़े होंगे ना कि ट्रिगोनोमेट्री छह तरीके का होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो उसी तरीके से सबका हिंदी तो दोस्तों नहीं पता, लेकिन साइन का हिंदी होता है जया और को कॉस थीटा का होता है को जया, याद रखिएगा, साइन का हिंदी होता है जया और कॉस का हिंदी होता है को जया, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि आपतन कोण की जया, तो आपतन कोण तो आई न है और जया बोल रहा, जया बोल दिया तो साइन, इसलिए कुल मिलाकर साइन आई हो गया, साइन आई को हम लोग पढ़ेंगे आपतन कोण की जया, ठीक है। फिर है साइन आर, ठीक ना, तो साइन आर का मतलब कौन सी, तो आर का मतलब अपवर्तन कोण, ठीक है, और अपवर्तन कोण की जया, तो जया का मतलब साइन, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन आर, इसको कहते हैं अपवर्तन कोण की जया, साइन आर, आपतन कोण की जया मतलब साइन आई, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये हो गया साइन आई, आपतन कोण की जया, और ये हो गया अपवर्तन कोण की जया साइन आर। बोला गया कि ये दोनों का जो अनुपात है एक नियतांक होता है, नियतांक का मतलब दोस्त, नियतांक का मतलब कांस्टेंट, ठीक है, हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं, उसके नीचे लिखिएगा, फिगर बना लीजिएगा और फिर लिखिएगा साइन आई यानी कि आपतन कोण की जया, फिर
अपवर्तन कोण की जाया, मतलब साइन आर, ठीक है। अब ये दोनों का जो अनुपात है साइन आई बटा साइन आर क्या होता है, एक नियतांक होता है, नियतांक, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट। दोस्तों इसे हम लोग स्नेल का भी नियम कह सकते हैं। कोई पूछेगा कि स्नेल का नियम क्या है, तो स्नेल के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, तो साइन आई बटा में साइन आर इज इक्वल टू एक नियतांक होता है, इसीलिए इसीलिए इसको बोलते हैं स्नेल का नियम। कोई अगर स्नेल का नियम पूछेगा तो अपवर्तन का दूसरा नियम सिर्फ लिखेंगे कि आपतन को आपतन कोण कॉमा अपवर्तन कोण का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे ही हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये हम लोगों को दूसरा नियम भी है, अपवर्तन का दूसरा नियम, और इसी दूसरे नियम का एक नाम है रहता है जिसका बोलते हैं स्नेल का नियम। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तन देखिए अलग होता है, अपवर्तनांक अलग होता है, ठीक है। तो अब हम लोग सीखेंगे अपवर्तनांक के बारे में, जिसका इंग्लिश होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर अपवर्तनांक किसको कहते हैं, अपवर्तनांक का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे अपवर्तनांक में फर्स्ट एरो लिखा जाए, निर्वात में प्रकाश की चाल, तथा निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को, तथा किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को, किसी माध्यम में प्रकाश के चाल की अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है। नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। याद रखिएगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल मीटर पर सेकेंड में अगर कोई पूछेगा तो हम बताएं 3×10⁸। अगर किलोमीटर में कोई पूछेगा तो 3 लाख किलोमीटर जाता है 1 सेकेंड में प्रकाश, ठीक है। तो याद रखिएगा अपवर्तनांक का फार्मूला क्या हुआ, उसके नीचे लिख लेंगे कि अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात का मतलब जहां पे हवा नहीं हो, प्रकाश की चाल, बटा निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। याद रखिएगा अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या हो गया कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो अपवर्तनांक का मतलब ये हुआ, अपवर्तनांक निकालने के लिए क्या करते हैं, तो ऊपर वाला तो वैल्यू फिक्स है, निर्वात में प्रकाश का वैल्यू फिक्स है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जिस माध्यम में प्रकाश को चलाना है, जैसे जल चलाना है, तो जल में वो प्रकाश कितना स्पीड से चल रहा है, और ऊपर तो फिक्स है उसमें से और जल में डिवाइड कर देंगे तो जल का अपवर्तनांक निकल जाएगा। अगर मान लिया कांचे है, ठीक है, तो कांच का अगर अपवर्तनांक निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ऊपर वाला वैल्यू तो फिक्स है निर्वात में प्रकाश की चाल, और बटा में
उस कांच में जितना स्पीड से प्रकाश जाएगा उससे डिवाइड करेंगे। जैसे मान लिया कि एक क्वेश्चन के और तौर पे लेते हैं, यदि यदि हीरे में प्रकाश की चाल 1.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो तो हीरे का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हीरे का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो दोस्त ऐसा क्वेश्चन मिला 1.5 × 10⁸ है, यानी कि हम लोगों को दिया है सबसे पहला निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ माध्यम क्या है, हीरा। तो माध्यम में प्रकाश की चाल दिया है 1.5 × 10⁸ मीटर। तो अपवर्तनांक निकालना है, तो अपवर्तनांक बोल रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना है, तो हीरा वाला माध्यम में इतना जा रहा है, तो इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। तो कुल मिलाकर अपवर्तनांक का मतलब ही हुआ कि निर्वात में प्रकाश की चाल ये फिक्स है 3 × 10⁸, और बटा में माध्यम, यानी कि अगर हीरा है तो हीरा में जितना स्पीड से जाएगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपवर्तनांक के बारे में आज पढ़ा। अगले दिन हम लोग कुछ पदार्थ के बारे का अपवर्तनांक सीखेंगे कि किसी भी पदार्थ का लगभग उसका अपवर्तनांक कितना होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।